इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग स्थित परिसर में विश्वविद्यालय के आईईटी संस्थान के डायरेक्टर संजीव टोकेकर का पुतला एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूंका गया। पुतला दहन की सूचना नजदीकी थाने को मिल गई थी, जिसके चलते पुलिस फोर्स भी कैंपस में मौजूद था। डायरेक्टर का पुतला फूंकने के कारण संस्थान की हॉस्टल वार्डन का हर गलती पर समर्थन करना छात्र संगठन ने मीडिया को बताया। छात्र नेता का यह भी आरोप रहा कि वार्डन रश्मि दाहिमा छात्रों से अवैध वसूली करती है और हॉस्टल में मनमानी करती है, जिस पर कोई एक्शन डायरेक्टर नहीं लेते। पुतला जलाने के बाद छात्र संगठन ने डीएवीवी के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए की गई शिकायत पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। दरअसल डीएवीवी के आरएनटी मार्ग परिसर में आईआईटी के डायरेक्टर संजीव टोकेकर की कार्यशैली से नाराज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर का पुतला फूंका और डायरेक्टर पर हॉस्टल के वार्डन पर कई आरोप भी लगाए। छात्र संघ का गुस्सा यह था कि कई शिकायतों के बाद भी वार्डन पर कोई कार्रवाई न करने के बजाय डायरेक्टर उनका साथ देते हैं। छात्र नेता ने कई आरोप वार्डन को लेकर कुलपति पर भी लगाए और कहा कि जब वार्डन पर पहले किसी शिकायत में जांच चल रही है तो उन्हें दूसरी जगह पोस्ट क्यों किया गया। मीडिया से बात करते हुए आखिर में छात्र नेता ने इस मामले में समय रहते यदि हल ना निकाला गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो मेरी यश यादव जी आए थे एमएसयूआई के जो हैं, उनसे जो बात हुई तो वो तो वार्डन मैडम का पुतला जलाना चाहते थे, जो आईटी के हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है, और उन्होंने खुद ही कहा कि हमें ये सम्मानजनक नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर के नाम पर पुतला जलाया। और वो गलत है, डायरेक्टर के नाम तो कहीं कोई कभी बात ही नहीं आई, तो ये गलत है। और दूसरी बात, जो उनका मैडम के लिए भी चार्ज है, ऐसा कोई अभी हमको कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। जो चार जो फोर्थ सेमेस्टर की छात्राएं, हम लोगों ने पहले ऐसे पॉलिसी तय किया था कि जब हॉस्टल में लिमिटेड जगह है तो पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस ले दिया जाए, और जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके हैं तो वो बाहर भी रह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जगह होने पर उनको दिया जाए, फोर्थ ईयर के बच्चों को, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए, ये ऐसे पॉलिसी हम लोगों ने तय किया था। उसी के अनुसार मैडम ने जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे उनको नोटिस वगैरह दिया होगा, लेकिन साथ ही उन लोगों को एकोमोडेट भी किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासेस देर में शुरू होने वाली थी और फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट चल रहे थे। ये सारी बातें हम लोगों के नॉलेज में हैं। जो वार्डन है, चीफ वार्डन है, और जो डायरेक्टर है टोकेकर सर, और मेरी भी नॉलेज में इन सब बातें, और उनको भी जहाँ तक हुआ फोर्थ ईयर की छात्राओं को एकोमोडेट किया जा रहा है। अगर आईआईटी के हॉस्टल में जगह नहीं है तो जो हमारे पवर को ऐसे जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भी उनको जगह दी जा रही है। मैम, उनका कहना है कि पहले कई बार शिकायत लगाई गई है खाने की क्वालिटी सही नहीं होने के कारण, और भी कई ऐसी समस्याएं। हाँ, वो भी मुझे मालूम है, खाने के बारे में शिकायत आई थी तो उसके बाद, और खाने की क्वालिटी कम थी तो शायद इसलिए तो कुछ पैसे भी बढ़ाए गए थे उनके, लेकिन उसके बावजूद शिकायतें बनी रही तो वो मैस के जो इंचार्ज थे उनको बदल दिया गया। मैस का जिसको चाय वो दिया गया था, ठेका दिया गया था, उनको बदल। नमस्कार, आज यहाँ पर गांधी हॉल में अद्भुत कम्युनिटी द्वारा और महू आर्मी कैंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम शहीद मेले के रूप में जान रहे हैं। यहाँ पर आर्मी कैंट महू द्वारा शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, सभी लोगों को प्रदर्शनी के बारे में बताया गया, सभी हर आर्म के साथ में एक जवान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सभी को डिटेल्स में, जितने भी आगंतुक थे प्रदर्शनी देखने वाले, उन सभी को उनके बारे में विशिष्ट रूप से बताया, जानकारी दी उसके इतिहास के बारे में, वो कहाँ से बना हुआ है और कब इन्हें प्रयुक्त किया गया था इस तरह से, और आर्मी बैंड की एक विशेष प्रस्तुति हुई यहाँ पर। साथ में यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है अद्भुत कम्युनिटी के द्वारा, जहाँ पर युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पर हमारे बीच में जनरल दीदी मौजूद थी, साथ में जो महू आर्मी कैंट के रिप्रेजेंटेटिव थे कर्नल साहब, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी और की जो पूरी टीम है अद्भुत कम्युनिटी, उन्होंने बहुत बढ़िया आयोजन किया हुआ है,
जिसमें सभी लोग, और यहाँ पर मेले का भी आयोजन हुआ है। जिस तरह से कहते हैं कि हर बरस लगते रहेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, तो वही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक मेले का आयोजन हुआ है। और ये हमारी तरफ से शहीदों को एक श्रद्धांजलि है, उनका स्मरण है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, फेसबुक इंस्टाग्राम वाली जो जनरेशन है, वो इस तरह से आयोजन में शामिल हो और उन लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। यहाँ पर बहुत सारे वीर जो क्रांतिकारी शहीद हैं, उनके परिवारजन यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसको। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वे सभी यहाँ पर आएँ और अपने परिवार के साथ में आएँ। कितना दिन का मेला है ये? 2 दिन का है, 7 और 8 अक्टूबर, सुबह से शुरू होकर रात तक चलेगा। कवि सम्मेलन का भी आयोजन है, ओपन माइक का भी आयोजन है, तो सभी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसके अंदर जुड़ सके। क्योंकि जो आईटी के डायरेक्टर हैं संजीव टोकेकर जी, उनके पास में पूर्व में एक शिकायत आई थी छात्राओं द्वारा कि जो रश्मि दाहिमा जी हैं उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, बच्चों से गलत तरीके से फ़ाइन वसूला जा रहा है, मेस में घटिया खाना बन रहा है। लेकिन उन्होंने, टोकेकर जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए रश्मि दाहिमा मैम के ऊपर जांच नहीं बिठाई और उनको तरीके से दूसरे हॉस्टल का वार्डन नियुक्त किए जाने की वापस से तैयारी कर दी गई थी, जिसको लेके आज हम NSOI ने प्रदर्शन किया है और इसकी सूचना हमने कुलपति मैम को भी दी है। आपके द्वारा पुतला भी जलाया गया जी? पुतला इसलिए जलाया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति एक बात अपनी बात नहीं मानता है, उन्हें जैसे पूर्व में शिकायत की गई थी, अगर उनको वापस से एक बार मौखिक शिकायत की गई थी फिर भी वो नहीं माने, कोई अगर उस पर कार्रवाई नहीं करी, तो तीसरी बार हमने पुतला जलाया है, अगली बार हम उनके मुंह पर कालिक पोतेंगे और यह कालिक हम पोतेंगे चीफ वार्डन गेंदालाल प्रजापति के ऊपर, क्योंकि इस पूरी कहानी का सूत्रधार गेंदालाल प्रजापति है, उसके ऊपर कालिक पोतेंगे। अगली कार्रवाई NSOI ये करेगी। आज पुतला किन का जलाया है? आज हमने आईटी के डायरेक्टर संजीव टोकेकर जी का। Thank you.